सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं अपना जो थंडरस्टॉर्म का मैंने कैबिनेट लिया था। पिछली वीडियो में मैंने RGB कनेक्शन के बारे में डिटेल में बताया था, लेकिन बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा कि अपना जो इस कैबिनेट का RGB कनेक्शन कैसे करना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी ऑल पर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इतने ज़्यादा मुझे कमेंट आए कि इसका कनेक्शन मुझे फिर से बताइए, तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये एक बोर्ड यहाँ पे दिख रहा है, जितने भी सारे आपको कनेक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं 1, 2, 3, तो ये हमारे जो है RGB के हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 1, 2, ये हमारे दो फैन के हैं। एक फैन जो हमारा फ्रंट में लगा हुआ है, दूसरा फैन जो हमारा बैक साइड में लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं आपको पास मिला के दिखा देता हूँ। देखिए, फैन 2, फैन और ये आपका फैन 1 यहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये जो पिन आती है एक यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जहाँ पे लिखा है PC डेटा। आप यहाँ पे देखेंगे PC डेटा, देखिए ये जो लगा है, तो ये जो पिन होती है इसका भी आपका कैबिनेट में होता है। पर आपके अकाउंट में, आपके सिस्टम में ये सब कुछ नहीं पिन है। तो ये पूरा होल सिस्टम दिया गया है LED और RGB लाइट्स के लिए। तो ये कैसे वर्क करता है देखिए, ये जो आपका PC डेटा, जो मतलब PC से डेटा आता था, वहाँ से अगर इसमें PC में डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे इसको, तो ये पिन देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ये पिन हमारा खाली पड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप। ये कनेक्शन इसी का है, यहाँ से ये कनेक्शन आता है। ये PC डेटा वाला कनेक्शन आपको इसमें अटैच कर देना, अगर आपको मैं हेडर में वहाँ पिन रहेगा मदरबोर्ड में, तब अगर आपका मदरबोर्ड सिंपल जेब्रोनिक्स का है, जिसमें फिर लाइट का सिस्टम नहीं दिया है, ऑटो कंट्रोल नहीं दिया है। बाकी ये फैन का होगा, ये आपका देखिए जो SATA कनेक्शन है ये आपका आया है किसी पावर सप्लाई, इसको हम यहाँ टच करेंगे। ये हमारा 1, 2, 3 RGB का हो गया, जितने सारे इधर लग जाएगा। यहाँ पे क्लिप मिलती है, जिसमें से एक मैंने यहाँ पे LED वाली इसमें लगा दी है, जिसमें LED SW लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इस साइड में। तो बाकी की देखिए, जो यहाँ पे कितनी बच गई, 1, 2 और 3, 4, ठीक है। जितनी भी सारी ये 4 आपको दिख रही हैं, तो इसमें देखिए सब में इंडिकेटर दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं यहाँ पे। आपको देखिए Power SW, Power LED और ER LED ऐसे करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इन सारी पिन का नंबर भी दे रखा है, आपका जो कंपनी का मदरबोर्ड रहेगा उसी में ये कॉपी में देखना, वहाँ पर लिखा होगा। उसके नीचे भी आपको पिन देखने को मिलेंगी, जितने भी पिन यहाँ पे दो नीचे पिन लगी हुई हैं, तो आप देख लेना, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आउटपुट LED लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए आप 3 पिन जो मेरी खाली पड़ी हुई हैं, तो उसका कनेक्शन इसमें दिया नहीं है इसलिए। और इसकी जो इसमें के एक पिन रहेगी LED वाली, वो आपको बैक साइड लगाना है, ये वाला, ये इसको यहाँ पे लगा देना है। ऐसे जो है आपका ये जो कनेक्शन पूरा हो जाता है। आप यहाँ पे पावर सप्लाई कनेक्शन हो गया आपका RGB 1, RGB 2, RGB 3, और यहाँ पे देखिए आपके जो फैन का कनेक्शन हो गया, ये फैन 1, फैन 2, क्योंकि फ्रेंड देखिए फैन में जो RGB कनेक्शन होता है वो सेपरेट होता है। ये आपका फैन का हो गया और ये आपका RGB का हो गया। और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ सॉकेट दी हुई है एक्स्ट्रा, जिसमें आप सेपरेट से अलग से फैन भी अटैच कर सकते हैं, RGB लाइट अटैच कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा था यहाँ पे, तो ऐसे ही करना कनेक्शन आपको, बहुत ही सिंपल है। सो फ्रेंड्स, सारे कनेक्शन हो चुके हैं, तो चलिए मैं इसे पावर ऑन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये पावर ऑन किया, और यहाँ पे देखिए ये सिस्टम जो है हमारा रेडी हो गया है, ओपन हो गया है, चलने लगा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, मैं आपको ओपन करके यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे ये देखिए RGB लाइट इधर चालू हो गई है, और इस साइड भी रेडी हो गया है। तो आप ऐसे ही कनेक्शन इजीली कर सकते हैं। मैं अपने पूरे कनेक्शन आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो होप गाइस कि आप सभी लोगों को यहाँ पे इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आपको अभी भी कनेक्शन समझ में नहीं आए हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।